Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Michael and welcome back to another gameplay video of GTA 5. तो guys, अभी मैं हूँ military base Fort Zone Kudo में और guys यहाँ पर जो है मेरी बहुत तगड़ी बहस हो चुकी है क्योंकि guys हर जगह राजनीति politics तो चलती ही रहती है. तो आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो मेरा जो junior है वो मेरे खिलाफ इन लोगों को भड़का रहा है और ये जो कलुआ है guys वो सच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और सेम goes to just मतलब मेरे पास भी मेरे को भी ऐसा ही एक तरह से कि मैं भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं और ये है गाइस जो मेरा जूनियर है जो कि इनको भड़का रहा है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है. तो गाइस सबसे पहले प्रसाद तो भाई मैं दोनों को देने वाला हूं. सबसे पहले तो उसको भाई मैंने एक बहुत ही ख़तरनाक पंच दे दिया है और उसने गाइस मेरे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया है फिर से. यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है मेन जो मिलिट्री हेड है वो आ जाता है, वो मेरे को बचा लेता है कैसे ना कैसे करके. लेकिन उसने मुझे एक काम दिया है और ये जो ब्लैक वाला बंदा है वो दोस्तों चाहता है कि मैं इसकी कार कभी यूज़ ना करूँ. तो ले तेरी ऐसी की तैसी, अभी निकालता हूँ इसको यहाँ से और इसी की कार लेके मैं यहाँ से जाऊँगा. तो गाइस इसने मुझे चाबी वगैरह तो दी नहीं, तो अभी जल्दी से गाइस इसी कार में बैठ जाते हैं. लो भाई हम लोगों ने कांच फोड़े और सीधा से इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और ये कार लेके मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ एक मिशन पर. तो गाइस वो मिशन कर लूँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने अपने सारी जितनी गोड्स हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं. आप लोगों ने पिछले एपिसोड में नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि पिछले एपिसोड में गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग बकरियां लेके आए थे, उसके बाद दोस्तों वहां पर जो है माउंटेन लायन का अटैक हो गया था माइकल हाउस पर, जिसमें गाइस अपनी तीन बकरियां मारी जा चुकी हैं. अब जितनी भी बची हैं वो दोस्तों फ्रैंकलिन और लेस्टर घर पे सेफ है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा. लेकिन गाइस अभी यहां पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मिशन आया हुआ है, वो भी दोस्तों मेरे जूनियर ने मुझे बताया. तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसी कार से मैं उसको दोस्तों जो कंप्लीट करने वाला हूँ. तो अभी मैं जल्दी से जाने वाला हूँ गाइस उस कार जो एक फ्रूट शॉप है, फ्रूट शॉप पे एक ब्लैक कलर की वैन खड़ी है, तो वो वैन मुझे लेनी है. और साथ में दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस पर मुझे स्टिकी बॉम्ब लगा के उसे समुद्र पर जाके ब्लास्ट करना है. गाइस मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या रीज़न है मिलिट्री कर्नल का, या फिर दोस्तों क्या वो चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं. मुझे इसके लिए टास्क दिया गया है और ये काम मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि गाइस मैं मिलिट्री कर्नल एक तरह से ड्यूटी निभा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है. तो गाइस उनको लगता है कि ये जो काम है कोई करने को मिलिट्री में रेडी नहीं है और गाइस माइकल जो है वो ये काम करने के लिए रेडी है. तो जैसे गाइस हम लोग यहाँ पर फ्रूट शॉप पर आते हैं, आप लोग देख पा रहे हो एक वैन खड़ी है, उसमें हमें स्टिकी बॉम्ब लगाना है और इस कार को सिर्फ हमें ब्लास्ट कर देना है, ठीक है. इसमें कुछ काफ़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन है जो कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ माइकल ही संभाल सकता है. आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस माइकल ने काफ़ी तगड़ी कार मॉडिफाइड कराई है. आए दिन आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों ने ये मॉडिफाइड कराया, वो मॉडिफाइड कराया. तो अभी जल्दी से मैं गाइस स्टिकी बॉम्ब यहाँ पर निकाल लेता हूँ. ये स्टिकी बॉम्ब मैंने यहाँ पर निकाला और यहाँ पर लगा दिया है. लगाने के बाद गाइस हम लोग जो हैं सीधा इस पर बैठने वाले हैं और जैसे गाइस मैंने इसका कांच फोड़ा मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और आते आते गाइस मुझे जो है इसे ब्लास्ट कर देना है, ठीक है. तो गाइस अब आप लोग देख पा रहे हो सबसे पहले इसका रेडियो ऑफ कर देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं. जस्ट लेफ्ट साइड पर बीच है एक और ज़्यादा दूरी पर नहीं, लेकिन गाइस हम लोग ओ भयंकर ये कौन सा मोड है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो जैसे कि एंकर ये कार हवा में उड़ रही है, मतलब फुल्ली मॉडिफाइड है, पता नहीं क्या है. इस कार को मुझे ब्लास्ट कैसे ना कैसे करके करना ही पड़ेगा. तो गाइस पता नहीं मिलिट्री कर्नल को इसके बारे में कैसे पता चला, या वो कहीं स्लीपर सेल्स या फिर जो भी वो चीज़ें हैं उनसे मिला तो नहीं है. बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं गाइस मेरे दिमाग में चल रही हैं अभी, लेकिन मुझे लगता है कि अपना जूनियर ही जो है उससे मिला हुआ है. कार तो चलो ब्लास्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत इंजर्ड माइकल भी हुआ है. वो बैंकर बहुत ही हाइट से गिरे हैं और पानी बहुत ज़्यादा कम है, पर चलो जान बची तो लाख पाए. सिर्फ एक माथे पे स्क्रैच आ गया है काफ़ी बड़ा, ठीक है. यहाँ से चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ में, आप लोग देख पा रहे हो इसके माथे पे काफ़ी बड़ा स्क्रैच आ चुका है. कार जो हो गई है ब्लास्ट, मुझे नहीं पता क्यों ब्लास्ट हुई है. उसके बाद उसने बोला था कि एक बंदा आएगा तुम्हें कार लेके, वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो है काफ़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन होगी उसमें, फायर प्रूफ वो कार होने वाली है. तो जल्दी से गाइस रोड पे चलता हूँ और वही वाली कार को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. फिलहाल माइकल बहुत ही तेज़ी में ऊपर चढ़ के जा रहा है गाइस, यहाँ पर आप लोग खुद ही देख पा रहे हो. और ये मिल चुकी है हमें फाइनल वाली कार. जैसे मैंने कार ब्लास्ट करी उसने एक बंदा भेज दिया और ये सिविल कार है. मेरे को पूरा शक दोस्तों अपने जो है
जूनियर पर ही जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। इसलिए लेकिन इससे पहले 10-10 15 मिनट के पिछले एपिसोड्स हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। वैसे भी आप लोग कितनी वेब सीरीज वगैरह देख लेते हो गए, तो गाइज इसको भी देख लो एक तरह से, तो आप लोगों को कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी जल्दी से गाइज मैं जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के घर पर, और वहाँ पर जाके हम लोग देखने वाले हैं कि अपनी बकरियाँ जो हैं या फिर गोट्स जो हैं वो कैसी हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। क्योंकि फार्मर अभी दोस्तों जो है डिलीवरी लेने गया हुआ है पिटबुल की। अब गाइस पता नहीं वो पिटबुल के बच्चे लेके आ रहा है या पिटबुल डॉग लेके आ रहा है, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए दोस्तों वो गया हुआ है सीधा सीधा कुछ नए शहर में, और वो अभी दोस्तों यहाँ पर नहीं है, और जिसके कारण से मैं घर नहीं बनवा पा रहा हूँ। मैंने एक दोस्तों कारपेंटर को भी बोला कि प्लीज़ जाके कुछ जो है करो, लेकिन गाइज उसने भी बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊँगा, और या तो फिर मैं होम डिलीवरी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो गाइज जैसे भी देख देख के हम लोग ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लेस्टर के घर पे आ चुके हैं। अब लेस्टर के घर के आने के बाद गाइज हमें जाना पड़ेगा सीधा राइट साइड में, वहाँ पर दोस्तों हमें कुछ देखने को मिलने वाला है। और गाइज लेस्टर ने मुझे बता भी दिया है एक तरह से लोकेशन कि अपनी जो पिछले एपिसोड में बुकाटी सेंटो डाइसी गायब हुई थी उसकी लोकेशन कहाँ पर है। थैंक्स टू लेस्टर गाइज, हमेशा वो हमारी हेल्प करता है। और ये क्या मरी मरी सी, जैसे दोस्तों इन्होंने भांग पी के खड़े हो जाते हैं, जैसे स्टैचू नहीं खड़े होते, कैसी गोट्स हैं, ना हिलती हैं ना डुलती हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तभी तो इनको आके शेर भी खा गया, अगर ये थोड़ा भाग भी लेती तो बच जाती। फ्रैंकलिन कुछ खिला पिला भाई ने, सूखी घास में खड़ा कर रखा है तूने यहाँ पर। फ्रैंकलिन बोलता भाई मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पर, और लेस्टर भी पता नहीं क्या ही कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो घास आप लोग देख पा रहे हो पूरी सूखी सूखी है, बेचारी खाएगी क्या? तो लगता है मेरे ख्याल से खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो फिलहाल चलो, ये अभी कारपेंटर नहीं है ना ही फार्मर है, तो इसको छोड़ते हैं, सीधा चलते हैं वो स्टील करने, जो दोस्तों हमारी कार कोई ले गया है। ठीक है, उसको कोई चुरा के ले गया था। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो मैप में यहाँ पर है, तो जल्दी से गाइज इसी वाले लोकेशन पर मैं आप लोगों को मिलता हूँ, और बीच में आप लोगों को फायर प्रूफ का इसका मॉडिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। गाइज ये जितनी भी कार है वो पूरी एनिमेटेड है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफ़ी तगड़ी कार है। और मैं गाइज इस कार को ऐसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन गाइज मैं उसको कार को वहीं पर जाके पार्क कर दूंगा। आप देखूँगा गाइज वहाँ पर कौन क्या है, कैसी सिक्योरिटी है, और किसने भाई हमारी कार चुराई है। इसके भाई स्थिति दम हो गई, भाई मिलिट्री कर्नल की कार चुरा के ले गए हो, और मैं भी अपने ऑडियंस को इतना अच्छा दिखा रहा था कि भाई देखो बुकाटी सेंटो डाइसी है, इतनी तगड़ी कार है, और उसके अलावा भी कोई उसको स्टील कर ले तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात हो सकती है उस बंदे के लिए, क्योंकि मिलिट्री कर्नल माइकल उसे अब छोड़ने नहीं वाला है। तो अभी दोस्तों मैं जल्दी से इसका जो है वो एनिमेशन एक्टिवेट कर देता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हो गाइज हमने इसका एनिमेशन एक्टिवेट किया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फुल्ली फायर प्रूफ है गाइज ये, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दूर से या फिर रात में कोई कार चले तो कोई इसके आजू बाजू नहीं आएगा। अब ये पता नहीं किस लिए मॉडिफिकेशन था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फाइनली हम लोग उसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही गाइस मैं लोकेशन पर पहुंचता हूं, सामने की तरफ मैं देखता हूं दो जर्मन शेफर्ड डॉग, जो कि हाईली सिक्योरिटी डॉग रहते हैं गाइस, वहां पर पार्क हैं गेट के सामने। और जैसे ही गाइस मैं उनकी तरफ से पीछे देखता हूं, उन्हें पता लग जाता है कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूं, और वो दोनों मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस मैं भी एज अ डॉग लवर, मैं दोस्तों इनके ऊपर हाथ गन बिल्कुल नहीं उठाने वाला, लेकिन पैर तो ज़रूर मैं मार ही सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो माइकल अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर सोच रहा था कि मैं एक दो पैर मारूंगा ये बच जाएंगे, लेकिन गाइज ये काफ़ी ज़्यादा शिकारी कुत्ते निकले, आप लोग देख ही पा रहे हो, सब के सब ने मेरे ऊपर हल्ला बोल दिया है, और गाइज चार बार मेरे पैर भी काट चुके हैं। यहाँ पर सेफ जगह मेरे ख्याल से ये होगी अभी। तो गाइज सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो वो कार पार्क है, और उस कार को मुझे किसी भी हाल में यहाँ से लेके जाना है। अब गाइज ये कैसे आके खड़े हो गए, टोटल 5 जर्मन शेफर्ड डॉग हैं, और गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे भागने की कोशिश करता हूँ, एक डायरेक्ट मेरे सीधा गर्दन पर आकर अटैक करता है। एक तो इनका साइज़ भी इतना बड़ा होता है कि गाइज ये अगर ऊपर पैर में दो पैर में खड़े हो जाएं तो सीधा गर्दन तक में आ जाते हैं। और जैसे ही गाइज मैं यहाँ से जाना शुरू करता हूँ, एक ने गाइज मेरे को लेटा दिया है मार मार के, और दोनों तरफ से मेरे मुँह पर काटना शुरू कर दिया है, जिसके कारण से गाइज मुझे ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, और अल्टीमेटली गाइज माइकल अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर चुका है, और सीधा हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो गाइस मिलिट्री कर्नल माइकल जर्मन शेफर्ड डॉग से मारा गया है, देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए गाइस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और गाइस बने रहो बस जॉर्डन गेमर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।